Mom, what have you seen? Wow! Hey guys, welcome to the channel and to the new video. Hope you all are doing great. So, आज है 17th of June, Friday है आज and हम लोग आज जा रहे हैं ऊटी. Actually, मेरे brother-in-law and sister-in-law आए हुए हैं बैंगलोर घूमने, तो हमने सोचा कि वीकेंड में ऊटी जाने का प्लान करते हैं. एंड ये ऊटी का हमारा ये सेकेंड ट्रिप है. हम लोग 4 साल पहले ऊटी गए थे एक बार एंड अभी इस टाइम जो है मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए फर्स्ट टाइम है, श्रीनिका के लिए भी ये फर्स्ट टाइम है, मेरी डॉटर. तो वी आर वेरी एक्साइटेड दिस टाइम ऑल्सो. एंड कुछ प्लेसेस थी जो लास्ट टाइम हमने ऊटी में मिस किया था, सो होपफुली वो इस बार हम लोग कवर कर पाएंगे, घूम पाएंगे. एंड अभी अर्ली मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं, अभी बहुत ही सुबह है. हमने सोचा था 4 बजे निकलेंगे, सो होपिंग कि 4:30 से पहले हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे. सो चलिए फिर आप लोग भी हमारे साथ इस जर्नी पे, सो लेट्स गो. बज रहे हैं, फाइनली अंधेरा हट गया है एंड हम लोग रामनगर 5:30 क्रॉस कर गए थे. इस टाइम हम लोग काफ़ी जल्दी रामनगर क्रॉस कर लिया क्योंकि रास्ते में कुछ भी ट्रैफिक जैम नहीं था, 1 घंटे में ही हम लोग वो क्रॉस कर लिया. एंड अभी देखते हैं मैसूर कितने देर में पहुंचते हैं. एंड मैसूर में जाके या फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे सोच रहे हैं. मैसूर क्रॉस कर रहे हैं एंड ऊटी पहुंचने में अभी और 3 घंटे कुछ बचे हुए हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:15. सो टाइम से थोड़ा पहले ही हम लोग मैसूर पहुंच गए हैं. होपफुली 10:30 तक का टाइम दिखा रहा है पहुंचने का ऊटी. देखते हैं कब तक पहुंचते हैं वहाँ. खेत जैसा है, इतना सुंदर लग रहा था तो हम लोग रुक गए थोड़ा फोटो सेशन के लिए. मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए.
ये देखो सारे सनफ्लावर्स सन की तरफ फेस करके हैं सारे। बंदीपुर फॉरेस्ट स्टार्ट होने वाला है तो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में कुछ अगर एनिमल्स दिखे तो। कितने सारे मम्मा देखो, सो मेनी डियर्स मम्मा, देखो मम्मा। ऑन द वे ऊटी की तरफ पहाड़ चढ़ ही रहे थे तो हमें इतना सुंदर इतने बड़े बड़े ट्रीज दिखे। आई थिंक ये इकलिप्टस ट्रीज है क्या या फिर नीलगिरी पेड़ है आई थिंक सो। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था इसीलिए थोड़ा व्यू एंजॉय करने के लिए थोड़ा रुक गए हम लोग यहाँ। आप लोग भी देखिए ये व्यू एंजॉय करिए। फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंच गए हैं। हम लोग स्टे कर रहे हैं होटल लेक व्यू में। सो अभी जो है सौरभ एंड मेरे ब्रदर इन लॉ दोनों मिलके रिसेप्शन में गए हैं चेक इन करवाने के लिए। तो मैं और वैशाखी मेरी सिस्टर इन लॉ वी आर वेटिंग हियर। तो देखते हैं कितनी देर में चेक इन होता है। और श्री तो सो रही है एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड है। एक्चुअली एक्साइटमेंट में पूरी रात नींद नहीं हुई तो अभी ऑन द वे इतना अच्छा अच्छा व्यू आ रहा था उस चक्कर में भी नींद नहीं हुआ। बस लास्ट के आई थिंक 2 घंटे मैं थोड़ा सा सोई हूँ तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है बट फिर भी देखती हूँ शायद फ्रेश होके थोड़ा बेटर लगे। उसके बाद लंच करके एंड देन देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग। तो होटल रूम चेक इन करके मैं आपको रूम टूर दूँगी थोड़ी देर में। Thank you.
लोग फाइनली अपने रूम चेक इन कर लिया है, अभी 1 बज रहे हैं, तो मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ यहाँ का। चलो दिखाती हूँ। सो यहाँ से ये ऐसा दिखता है छोटा सा, एंड ये एंट्री है। एंट्री करते ही ये हॉल है, यहाँ सीटिंग एरिया है, यहाँ पे एक छोटा बेड है एक्स्ट्रा, यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल है, टीवी है, एंड ये है वॉश बेसिन, वॉशिंग एरिया, एंड वो वाटर बॉटल्स हैं, एंड ये रूम है, यहाँ पे ये विंडो है, एंड बेड, साइड टेबल, एंड ये मिरर, एंड दिस इज़ द वॉशरूम बेसिक। सो बेसिकली दिस इज़ अ बेसिक रूम, इट्स फाइन। इट्स यहाँ पे एक कबर्ड भी है, ठीक ठाक है रूम, बुरा भी नहीं है बट बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है, मतलब स्पेस है काफ़ी। आज के लिए बस ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें कि हम ऊटी घूमने निकलेंगे। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। सो टिल देन बाय, टेक केयर।